कई साल पहले किसी बहन ने लड़ाई में अपने पति को एक थप्पड़ जड़ दिया था लड़ाई में। उस थप्पड़ को जड़ने के कारण दोनों के बीच में आज भी एक कड़वाहट सी बनी रहती है। और वो ये भी महसूस करती है कि उसको पता ही नहीं चला कब उसका हाथ उसके पति पे उठा और कब उसने उसको थप्पड़ मार दिया। कौन है वो रानी लक्ष्मी बाई? आ जाओ, बहुत दिनों की बात होगी, गलती होगी थी। ये बात जरूर है कि उसको पता नहीं चला कब उसका हाथ उठा और उसके मार दिया। जल्दी आओ और देखो, एक बात बता रहा, अगर एक आगी ना, यहां 10 आएंगी, फिर 10 आ जाएंगी। अरे आपके लिए आशीष की बात ही बोलूंगा, जल्दी आ जाओ। सुनाना, जिसके पाप ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्यार करता है। लो जी आगे। अब देखो जी, गलती इस बहन की भी नहीं है, शर्म की तो बात है ही नहीं। अब यहां भाई भी पता नहीं कितने होंगे जो थप्पड़ खा चुके होंगे। अगर मैं भाइयों में से बोलूं कि भाई कौन सा थप्पड़ खाया, एक नहीं आने वाला। ताली बजाओ भाई लोगों। हां जी, कैप्सूल खाना थप्पड़ मार दिया। आपने लगा दिया, थोड़े दिन। सुन लो, अगर किसी की जेब में से कैप्सूल निकल गया, अब गढ़वालिया तुम्हारी भी यहां है। अब इन्होंने सुन ली, क्या करना सीख भी लिया होगा। आज निकल ना जा, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना कैप्सूल। तो आपको अचानक गुस्सा आ गया और एक टिका दिया आपने उसको। लेकिन ये दुष्ट आत्मा का काम था। दुष्ट आत्मा ने आपको गुस्सा दिलाया और अचानक आपने उसको टेक दिया। ये गुनाह है, आपको अधिकार नहीं आपके पति के ऊपर हाथ उठाने का। पति को भी अधिकार नहीं है पत्नी के ऊपर हाथ उठाने का। हाथ उठाने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये दुष्ट आत्मा ने आपसे एक गुनाह कराया है। क्या आप मानती हैं कि ये पाप है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पीछे पछतावा आया, पछतावा किया, मैं गलती कर बैठी, नहीं माना। आत्महत्या। आज मैं दुष्ट आत्मा के उस शराब को यीशु के नाम में इस बहन के ऊपर से नष्ट करता हूं और मैं डिक्लेयर करता हूं कि परमेश्वर ने इसके गुनाह को माफ किया है यीशु के नाम में, और उसके कारण ये शरापित रही बल्कि यीशु के नाम में आशीषित है। और इसके शरीर की सारी बीमारियां, दुर्बलताएं, कमजोरियां कोई बात नहीं, अभी मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, आप इसे चंगा करें, दुर्बलता को नष्ट करें, इसके पति को तेरे हाथ दुनिया के मांगो, यीशु के नाम में आगे नहीं झुकते।
चांद सूरज की बृष्टि हम नहीं करते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। परमेश्वर के दास बिशप विजय इमानुएल, जो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के स्पिरिचुअल फादर भी हैं, इनका एक बहुत बड़ा क्रूसेड अमृतसर के अंदर होने के लिए जा रहा है। 16 अक्टूबर के दिन रंजीत एवेन्यू में करीब 12 एकड़ में ये क्रूसेड होने के लिए जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं 16 अक्टूबर को, पता है रंजीत एवेन्यू अमृतसर। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप जरूर इस बड़े क्रूसेड में आए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कारों को करेंगे। हर बीमारी हर परेशानी से आपको परमेश्वर आजाद करेंगे। चाहे कैसी भी बीमारी आपके घर में या आपके फैमिली में किसी को भी हो, आप जरूर इस क्रूसेड में उनको लेकर के आए। आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप आना ना भूलें 16 अक्टूबर रंजीत एवेन्यू में। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।